मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और डबरा के एक पत्रकार के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथित रूप से मंत्री पर पत्रकार को धमकाने का आरोप लगा है। डबरा के पत्रकारों ने इसे लेकर ग्वालियर में एडीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा है। डबरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने मंत्री इमरती देवी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टेकनपुर में एक महिला के मकान को तोड़े जाने की खबर दिखाई थी, जिसमें पीड़िता ने मंत्री पर आरोप लगाया था। उसके बाद मंत्री इमरती देवी ने पत्रकारों से अपनी हरकतों से बाज आने को कहा। इस मामले में उस पत्रकार और मंत्री इमरती देवी के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है। डबरा के पत्रकार इस ऑडियो को धमकाने वाला बता रहे हैं। इस मामले में पत्रकार लामबंद हुए हैं और पुलिस को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है। जी, मैंने अपने चैनल में एक खबर प्रकाशित की थी 26 तारीख को, जिसमें एक महिला ने महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी पे आरोप लगाए थे। उसी के बाद उनका फोन आया था, जिसमें लगभग उन्होंने मुझे 5.5 मिनट तक एक तरीके से ये कहें कि धमकाया है तो गलत नहीं होगा। मामला जी, एक अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, जिसमें उस महिला के आरोप थे कि मेरा मकान एक व्यक्तिगत द्वेष के चलते, और भी उसने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे कि पहले भी कोई उसके साथ घटना हुई होगी जिसकी मंत्री ने शिकायत नहीं होने दी। उसी खबर को लेकर मैंने खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद मेरे को ये मंत्री जी का फोन आया। मंत्री जी ने काफी कुछ बोला, मगर अंत में उनके जो शब्द थे वो ये थे कि यदि हम अपने पे आ गए तो आप जैसे पत्रकार नलियों में दस्ते फिरोगे। मीडिया कर्मियों का कहना है कि उन्हें डर है कि उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पुलिस को ज्ञापन दिया है। पत्रकार और मंत्री के बीच की बातचीत का ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि दखल न्यूज नहीं करता। हेलो हेलो, एक पेपर एपर एक टीवी चला के ज्यादा तो मत करो, सब बहुत गरीब आदमी है, आपको पता है। नहीं मैडम, उसका मकान टूट रहा है। बापा मकान टूटो जेटा कहो की मतलब को है चलावे वाले न सब जो शंकर भारती का बाप नहीं है, तो क्या को हमने तोड़वा जो पूरी हिंदुस्तान में टूट रहा है, इमरती देवी तोड़वा रही। लुगाई को खत्म है तो बहन को खत्म, बात से कहीं नहीं करे काले कुत्ते जी का करवा रहा हूँ। हम जिस महिला को जानते नहीं, बाकी खिलाफ हमसे झूठों को लुआ बुलवा के और वीडियो और ड्रामे चला रहे। नहीं मैडम, झूठ किसने बुलवाया मैडम, आप कह रही हैं। मैं तो नहीं जानती, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है क्या, कौन सी मंत्री है, मुझे तो बताई है तुमने क्या है क्या मंत्री ने। मैडम ये आप उससे पूछे उस महिला से, आप अपनी मेला से पहले शिकायत के बाद कबा रहे बिचारी से बताओ। हम कह रहे बजरंगन तक राम को मेला को बिचारी को जानते ही नहीं, बस ये नहीं जानते कि बाकी मर्द जा कहाँ बनी, यानी लोग भागे पर शिकायत शिकायत से कबा रहे तो हम मंत्री पर। मैडम आप हो रही हो कुल मिला के गलत कहनी का शिकार, मैं बताऊँ आगे गलत करी कैसे चला रहे थे झूठी चाटी, जब हमने नहीं कहा तुम पे क्या सबूत है हमने करवाया। मैडम हम पे कोई सबूत नहीं है, महिला कह रही है हमने तो ये नहीं कहा कि मसला आपके नाम का कहीं जिक्र नहीं है। एक बार की नहीं तो 10 बार की देख ली हमने, फिर भी हम सुनवाई करके और बैठे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो पूछे तो इमरती देवी रहती कहाँ है, बाकी क्या बच्चे है, बाकी नाम का है। मैडम इसीलिए तो मैंने पूछा था कि इमरती देवी जी पे आप आरोप लगा रही है, कौन है इमरती देवी जी। कह रहे थे तुम ये तुम्हारे खिलाफ ऐसे चला रहा जो झूठी साथी, तो मैं कब क्या नहीं पा रही था, हमने कही देखो हम तो मुहे नहीं लगते किसी के, अभी हम मैडम आप ही हमारे, हमने भी आपके सहयोग किए, आपसे नहीं हम बरसों से आपसे जुड़े, आपको गलत कहनी है। हमें नहीं मालूम सहयोग से और मीडिया मिलना का बोल के डबरा में हर बार एक बात तुम सबसे झूठी खाती। चलो मैडम एक बार आप मौका दें आपके पास मिलना, तो मुझसे खत्म खुआ करते लगी बात पता है कि तेल मोड़ा काय को तो अस्पताल गए, काय को तेल मोड़ा दवाई चला ले गई इमरती देवी ने दवाई। मैडम जी पूरी कहानी बता रही थी, आपसे मौका मिलता नहीं है तो हम आपकी बनाई है तुम लोग हमने बैठ के भूल भी रही बेचारी बता कर, हमें तो दीदी को डाल रही है ना वाल, बोले वो तो दुनिया जो देख रही ना वो जो कही तो चार। मैडम सुनो मैं अकेला नहीं था वहाँ, नई दुनिया वाले भरत शर्मा जी भी थे, आप उनसे पूछना उसे कितने बताया कितने नहीं बताया। जानते हैं वो नहीं चलाएंगे, वो जानते हैं कि इमरती देवी अच्छी नन्या और वो डबरा की जनता हमारी भगवान है, डबरा की जनता अगर गलत सीढ़ी होगी तो हम उसके सामने लड़वे पर खड़े हो जाएंगे। डबरा की जनता सिर्फ मेरी है, मैं किसी का भरोसा नहीं करती, और जो तो है गरीब गरीबी हमने देखी है जाकि क्या करवाएंगे हम अच्छे अच्छे जवान सिंह जैसे जो चल रहे थे इनकी नहीं करवा रहे, इतने बचा रहे हैं सबको। तो वही तो मैडम आप गरीबों का टूट रहा है, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े हैं जिनमें हम क्या जमा का टूट रहे,
कौन कौन के टूटे, हम फोन पे सुन रहे हैं, हम बाहर है, हमें तो पता नहीं है, हम इंदौर प्रोग्राम कर रहे थे अपने, अब आज हम भोपाल आ रहे, कल हम ग्वालियर आ रहे, जब हमें पता ही नहीं थे कौन को टूट रहा था, तो हम करवा रहे कि पूरे हिंदुस्तान में इमरती देवी तुड़वा रहे, पूरे डबरा की नाक टूटी थी जब इमरती देवी मंत्री है, सब काउ के बाप के डर के मारे, जब लुगाई के बारे नरोत्तम के काउ नहीं मिल जाओ खिलाफ। मैडम 8 नंबर वार्ड में महिला रह रही है और आप ग्वालियर आ रहे हो, महिला रह रही 8 नंबर में, मैं जानती हूँ उस महिला को, नहीं हम तो नहीं जानते मैडम, घर देखा है मैंने, उसका घर देखा है, नहीं मैडम भगवान जाने देखा है या नहीं देखा है, हम क्या नहीं, नहीं तुम तो ये बता दो, उस महिला को पूछो के इधर कहूँ वो वोट मांग रहे भी आई थे जब वार्ड में कहा, और तुम्हारा घर देखो उन्होंने, नहीं हमने ये बात पूछी थी, कभी तो नहीं थी कि उनके लोग हैं जो करवा रहे हैं, गीता से ना सिखा के ले आए, हमारे लोग कौन है जवाहर कॉलोनी में, हमारे लोग जवाहर से क्या कहना शंकर भारती है, और अगर शंकर भारती हमारे तो बातों का टूटे हो, सही बात है, शंकर भारती यहाँ का नेता है, वो हमारा है, वो जाता है, तो उसका क्यों टूट गया, वो भी इमरती देवी ने टूटा, ऐसे मत करा करो, बजरंगबली इतना माफ नहीं करेगा, तुम पेपर वाले बन गए ना तो सत्यानाश हो जाओ, चलो मैडम आपकी इच्छा मगर ऐसा तो हमने नहीं सोचा, तुम बच्चन वाले पे ध्यान करो, वो बैठा है हमारा, तुम नहीं तुम जब मीडिया ही दिया नहीं चलाई ऐसा हो जाएगी सब, अब जैसे एक बार तुम्हें कोई 10 बार सीजन नहीं समझा कोई जाना है मकान में नरोत्तम करने के पूरे डबरा की नाक करवा गई थी वहां, मैडम उस समय टाइम में नहीं होंगे, नहीं बोलते इसका मतलब तुम इसका बढ़ करके काम करोगे, चलो मैडम अब आप जो भी कहें, नहीं जो भी कहते हैं, जब खड़ी बन गई तो दुनिया लाग जाता है, और जब हम अपने पन पे उतर आएंगे ना तो तुम जैसे ना नल में खसक फिरोगे, चलो मैडम जैसे आप पीछे। पत्रकारों ने ग्वालियर में एडीजीपी राजा बाबू सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और मंत्री का उक्त ऑडियो देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं इस मामले में एडीजीपी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, इस ऑडियो में मंत्री ने उक्त महिला को नहीं जानने की बात भी कही है, आज मुझे ज्ञापन सौंपा है, हम इसमें देखेंगे क्या, संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।